करामत है ये तेरी, तेरे रिंदों में मेरे साथी। मौलाना अब्दुल मजीद साहब बसरायूं का एक शेर है, उन्होंने फरमाया जब पहली दफा में पाकिस्तान हाजिर हुआ था मौलाना थानवी की तारीफ में, करामत है ये तेरी, तेरे रिंदों में मेरे साथी, जहां रख दे कदम अपना वहीं मैं खाना हो जाए। मेरे अजीज और दोस्तों ये शान थी, वो ख्वाजा इस्लाम मजबूत फरमाते हैं, मुझे दोस्त छोड़ दे सब कोई मेरा बान पूछे, मुझे मेरा रब है काफी, मुझे कुल जहान पूछे, शबो रोज मैं हूँ और मजजूब याद अपने रब की, मुझे कोई हान पूछे, मुझे कोई हान पूछे। फरमाते मैं रहता हूँ जिन रात जन्नत में गोया, मेरे बाग दिल में वो गुलकारियां हैं। ये बात कैसे पैदा होगी मेरे अजीज दोस्तों? उसी को फरमाया, कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्न कलाम से होगी, फिक्र और एहतमाम से होगी और जिक्र के इल्तिजाम से होगी। अल्लाह का जिक्र मुकर्रर करो, एक तस्बीह कम से कम एक तस्बीह कलमा तैयबा की, एक तस्बीह इस्तिगफार की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, इस नियत से पढ़े अल्लाह ताला की मोहब्बत पढ़े, चलते फिरते मुतफर्रिक औकात में सुभान अल्लाह पढ़ो, या अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, या मिलाद उल अगर मिठाई है जिस तरह तुझे चाहे खाओ, एक खाओ, फिर बेहतर ये ऊपर चढ़ो अल्लाह अकबर, नीचे उतरो सुभान अल्लाह, बराबर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार हो, दिल में हरदम हक का इस्तेहजार हो, इस पे तू कर ले अगर हासिल दवाम, फिर तो बस कुछ दिन बेड़ा पार हो। और आप देखो एक बार सुन लो, मतलब अफजल जिक्र खफी है, आवाज से जायज है, उसमें कैद लगी हुई है, सोने वाले की आंख न खुल जाए इतनी आवाज, नमाजियों की नमाज में तशवीश न हो, चुपके अफजल चुपके जिक्र है। तुम इसके लिए मैं खाद था, तुम सा कोई हमदम कोई दम साज नहीं है, वक्त है बातें मगर आवाज नहीं है, हम तुम ही आगा है इस रब्त खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है।